The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। कोरोना वायरस एक कॉमन फ्लू का बिल्कुल कॉमन वायरस है, जो कि अब म्यूटेट होके एक नया वायरस बनके नोवेल कोरोना वायरस, जिसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं, वो दुनिया भर में फैल रहा है, बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है। इसलिए नहीं कि इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए क्योंकि इसके ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसे लोग जो ऑलरेडी काफ़ी बीमार हैं वो इसको नहीं झेल पाते और इसीलिए ज़्यादातर लोग इससे मर रहे हैं। लेकिन कुछ यंग लोग भी मर रहे हैं, कुछ बहुत कम परसेंटेज में, लेकिन मर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, कई सच्ची कई झूठी। बेसिक लेकिन नहीं बदलता कि इससे आपको तीन सिम्टम हो सकते हैं। अगर ये आपके अंदर आ गया तो तीन सिम्टम हो सकते हैं। नंबर एक, आपको बुखार, आपको सूखी या फिर बेसिक खांसी, खांसी होगी ज़्यादातर सूखी, और तीसरा आपको सांस में दिक्कत होगी। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है तो आपको अपने आप को मॉनिटर करना है, आइसोलेट करना है, ताकि आप दूसरों को ना फैला दें, क्योंकि ये फैलता है एक पेशेंट के खांसने से, छींकने से, और उसके जो ड्रॉपलेट हैं, जो उसका सलाइवा है जो बाहर निकलता है, जो फुंगार निकलती है, उस फुंगार के जहाँ जहाँ गिर जाता है उस सरफेस पे लोगों के टच करके फिर मुंह को हाथ लगाने से। इसीलिए इसके फैलने को रोकने के लिए आपको ना सिर्फ मास्क पहनना होगा, बल्कि आपको पहनना होगा जितने हो सके स्टरलाइजिंग एजेंट्स। अगर आप अपने मुंह को हाथ लगा रहे हैं तो हाथ धो के मुंह को, नाक को, कान को या आंखों को, कान से तो ये नहीं फैलता क्योंकि वहाँ पे ईयर ड्रम है। जी हाँ, ये भी एक गलत फहमी है लोगों को कि कान से भी फैलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको कौन कौन से सर्फेसिस को डिसइनफेक्ट करना। आपको हर वो सर्फेस जहाँ आपके फ्रीक्वेंटली हाथ लगते हैं उनको डिसइनफेक्ट करना है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका डेस्क हो, चाहे वो आपका वर्क स्टेशन है या कहीं भी। सो हर उस सरफेस को जहां आपके आपके बच्चों के हाथ लगते हैं, टीवी का रिमोट है। जी हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि घर में मिलने वाले जो टीवी का रिमोट है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, वो लिटरली इतने ज़्यादा उसमें जर्म्स होते हैं कि वो आपके घर के कमोड से भी ज़्यादा डर्टी होता है टेक्निकली, अगर बैक्टीरिया वाइज देखा जाए तो। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सी बात है और ये है। सो कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके मन में और बहुत सारे सवालों के जवाब हमने दिया है, राइट? तो याद रखिए, हर वो इंसान जिसको भी कोई भी सीरियस बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, एस्थमा, COPD या फिर कोई भी इम्यूनिटी वाली, इम्यून सिस्टम की बीमारी, उसको थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। किस चीज़ का? इन्फेक्शन होने का नहीं, इन्फेक्शन होने का, कोरोना वायरस आपके अंदर जाने का रिस्क सबको एक बराबर है। मुझे भी उतना है जितना कि एक 70-80 साल के बुजुर्ग को है। मगर अगर हमारे अंदर, यंग आदमी के अंदर जाएगा तो उतना हानिकारक नहीं जितना उनके अंदर जाएगा। इसीलिए हम लोग इतना प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि हर एक को ये ना हो। और जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स के ऊपर, तो रिपीटेड इन्फेक्शन होने से वो वायरस बार बार अंदर जाएगा तो और ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज़्यादा रिस्क है, जिसके लिए प्रिकॉशनरी जो प्रोटोकॉल ICMR ने बनाया है इंडियन डॉक्टर्स के लिए, जो एक्चुअली इन पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। सो अगर आप इस रिस्क कैटेगरी में आते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्रोनिक बीमारी है, तो घबराइए मत, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना है और रेगुलर अपने डॉक्टर से टच में रहना है, जो भी आपके डायबिटीज़ को देखने, हार्ट के देखने वाले डॉक्टर हैं, ताकि वो आपको गाइड करते रहें कि कब आपका कोई अगर दिक्कत वाली बात है या नहीं। उन पेशेंट्स में भी जिनको सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनकी ज़्यादातर केसेस में कॉम्प्लिकेशन से मौत हो सकती है, हर एक की नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशन करने के लिए फेफड़ों में निमोनिया कर सकता है और कई केसेस में ये हार्ट को भी कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए हर बार सांस फूलना उसका एक सिम्टम सिर्फ लंग्स के वजह से हो ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी पीना उसका एकमात्र इलाज नहीं होता है। जब आपको सांस फूलने लगे, जब आपको दिक्कत होने लगे और वो हफ्ते भर से ज़्यादा सिम्टम्स होने लगे, बढ़ने लग गए, तो आपको
तुरंत हॉस्पिटल जाके एडमिट होना चाहिए या फिर टेस्ट तो कराना बनता ही है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर वाइटल्स, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी हार्ट रेट, अपना रेस्पिरेटरी रेट, अपना खुद के सिम्टम्स की डिग्री, फीवर कितना बढ़ रहा है रोजाना, आपके सांस की दिक्कत कितनी बढ़ रही है रोजाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको जरूर चेक करें. इसके ये सारी हुई बेसिक. इसके अलावा ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमारे वीडियोस हैं कि ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज हो रही है. और बहुत बड़ा सवाल आता है यहाँ पे वैक्सीन का. दोस्तों वैक्सीन इस वायरस की अभी बनी हुई है. जी हाँ, वैक्सीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है. वायरस वैक्सीन के ऊपर हम एक अलग से वीडियो देंगे आपको, जो आपको समझाएगा कि वैक्सीन कैसे बनती है. ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं वैक्सीन पे, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे बन रही है, कैसे बनी, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ जाएगा. बट वैक्सीन ऑलरेडी बनी हुई है, टेस्टिंग में है. टेस्टिंग में उसको कम से कम 8 से 12, हो सकता है 18 महीने लग जाए. तो अगले साल से पहले वैक्सीन नहीं आने वाली. तो वैक्सीन या एंटीडोट के इंतजार में मत रहिए. कई लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे के खून से आप एंटीडोट क्यों नहीं निकाल लेते हैं. ये इतना आसान नहीं है. अगर आपके खून में जब तक एंटीडोट नहीं बन रहा, जब तक वो नहीं बन रहा, तब तक वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट. दूसरे के घर से आप पानी ले लेके कब तक नहाते रहोगे? वो एक दिन के लिए हो सकता है, लेकिन ये पूरी पूरी दुनिया के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि वो दूसरे के यहाँ से लेते रहे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप दूसरे के ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ हो सकता है आपके फैमिली मेंबर को हुआ है तो आपको बचाने के लिए उससे निकाल के आपको दे दिया जाए, थोड़े टाइम के लिए हेल्प करे. लेकिन जब तक आपकी इम्यूनिटी खुद उसको हेल्प नहीं करेगी, खुद एक्ट नहीं करेगी, तब तक भी ऐसी चीजों का भी कोई काम नहीं है. बेसिक इलाज इस पे बहुत अच्छा काम करता है, जो घर में आपको खुद करना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस 80-90% केसेस खुद ही ठीक हो जाते हैं सिंपल घरेलू इलाजों से या सिंपल रेस्ट से. बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक घरेलू कोई नुस्खा काम करने वाला है यहाँ पे. यहाँ पे आपका बेसिक हेल्थ काम करेगा. अगर आप बेसिकली हेल्दी हो तो आपको कोई मेजर खतरा नहीं है. अगर आप यंग हो तो आपको कोई मेजर खतरा नहीं है. 9 साल से नीचे बच्चों को कोई मेजर खतरा नहीं है. ये मैं नहीं, ये रिसर्च या आज तक का डेटा कहता है. अगर आप इटली चाइना का डेटा निकालेंगे तो 9 साल से नीचे बच्चों को एक भी डेथ का केस नहीं है. अब आगे होगा तो कह नहीं सकते, आज तक की बात मैं कर रहा हूं जब तक का ये डेटा है जो. और आगे अगर बात करें हम कि इसका जो आगे ट्रीटमेंट होने वाला है, आगे लॉकडाउन होने वाला है, ये कब तक चलेगा, ये कैसे चलेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. जैसी सिचुएशन आएगी वैसे उस समय आपकी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हमारी सारी आपके खुद की स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि आपके एरिया में कितने हैवी केसेस हैं, उसके हिसाब से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना. बाकायदा आपको अपना प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है. तो 5 इम्पॉर्टेंट बहुत बेसिक बातों का आपने ध्यान रखना है, जो कि एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, जो हर एक ने फॉलो करना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को फॉलो करना. नंबर 1 है वॉश योर हैंड्स एज मच एज यू कैन. याद रखिए, हाथ से सबसे कॉमनली अगर आप अपने आप की दूरी मेंटेन करके हो 2 मीटर 1 मीटर की, तो सबसे कॉमन जो जाएगा वो हाथ से जाएगा. तो हाथ धोने के लिए साबुन पानी या 70% अल्कोहल, 60-70% अल्कोहल का कोई भी आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, वो आपके काम करेगा, जैसे बिल्कुल एक सिंपल सा सैनिटाइजर है. अगर आपको वो ना मिले 70%, तो आप स्पिरिट, जैसा मैं यूज कर रहा हूँ, स्पिरिट को यूज करके उसको डायल्यूट कर सकते हैं, वो आप करिए. नंबर 2 रूल है आपका खांसी का. कफ अगर हो रही है तो आप अपने एल्बो में स्नीज करें या फिर आपके मास्क होना चाहिए कि मास्क के अंदर स्नीज हो रहा है, और ताकि आप दूसरों को ना दें. बहुत सिंपल है, अब आप प्रिवेंट नहीं कर रहे हो आप खुद को, अब आप दूसरों को बचा रहे हो, राइट. जब आप खांसी कर रहे हो तब ये बात आती है. 3री और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर इंसान दुनिया का अपने मुंह को, नाक को, हाथ को, फेस लगा, हाथ लगाना बंद कर दें. जी हाँ, दुनिया के हर इंसान को आदत पड़ी हुई है जो नहीं बदल सकती, पता है मुझे, लेकिन एटलीस्ट मुंह के अंदर और नाक के अंदर और आंख को हाथ लगाना कम तो करिए, बंद तो करिए, कोशिश तो करिए, राइट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए जब भी आप बाहर जाते हैं. और 5वां सबसे बड़ा रूल है स्टे एट होम. स्पेशली अगर आप बीमार हैं तो 14 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, पहले तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है, लेकिन 7 दिन के लिए खुद को मॉनिटर करना है. मॉनिटरिंग में आपको इश्यू लगता है तो गवर्नमेंट ने नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा. 1075 नंबर है, अगर आप फोन करेंगे इस पे तो आपको मदद मिलेगी वहां से. या फिर इसकी जो अब टेस्टिंग हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही है. और याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों का सही जानकारी लेना. गलत जानकारी देने वाले बहुत जगह लोग हैं,
अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो अपने डॉक्टर से बात करिए, जिस डॉक्टर पे भरोसा करते हैं उस पे बात करिए। गलत जानकारियां बहुत फैल रही है और गलत जानकारी से बचना। याद रखिए, मैंने अभी तक मास्क की बात नहीं किया। मैंने मास्क मतलब जो 5 प्रिकॉशन बताए हैं CDC के द्वारा, उसमें मैंने मास्क की बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि मास्क फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है जब तक आप ऐसे पेशेंट से डील नहीं कर रहे। हम जैसे डॉक्टर जो एक्चुअल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ICUs में काम कर रहे हैं, जहां पोटेंशियल पेशेंट्स हैं, एक्चुअल पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको पूरे के पूरे PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, साथ में फेशियल स्क्रीन की जरूरत है, पूरे के पूरे शरीर को कवर करने की जरूरत है। आपको घर में अपने आप को कवर करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस हवा में नहीं है, ये वायरस मुंह में नहीं रहता, ये वायरस मुंह में कुल्ला करने से, गर्म पानी पीने से नहीं मरता, दारू पीने से नहीं मरता। और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो दुनिया में बैठे फैले हुए हैं। आपको मैसेज आएगा, किसी की कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी नहीं है, ये दुनिया के पॉपुलेशन को डीपॉपुलेशन करने की चाल नहीं है, ये World War III नहीं है, ये कोई भी इस प्रकार की साजिश नहीं हो रही है। कृपया ऐसी बातें ना सोचे जिन पे आपका ना तो कोई बस चलेगा, ना ही आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपना और अपने परिवार का टेंशन बढ़ाओगे। घर बैठे खाली बैठे इतने लोग पागल हो रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, हर एक को गले में कुछ ना कुछ फील हो रहा है, हर एक सोच रहा है कि मुझे बुखार नहीं है लेकिन क्या कोरोना है, मुझे बुखार ही है सिर्फ लेकिन खांसी नहीं है क्या कोरोना है, मुझे सिर्फ सांस फूल रहा है लेकिन बाकी कुछ नहीं है क्या कोरोना है। हर एक आदमी के यही सवाल अपने मन में आ रहा है। ये डर है, ये एंजाइटी है, ये पैनिक है। अगर आपको कोरोना है तो तीनों सिम्टम्स आते हैं या बढ़ते जाते हैं, इसीलिए उसको मॉनिटर करने के लिए बोला है। और मैंने वीडियो में बताया है PCR टेस्ट का, कि पहले दिन टेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, उसमें जरूरी नहीं आएगा, हमेशा 5 दिन के बाद टेस्ट होता है, जो कि गाइडलाइन भी दी गई है MOH के थ्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट, एटलीस्ट अपने गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके खुद के लिए रिकमेंडेशंस, डॉक्टर के लिए रिकमेंडेशंस आप पढ़ सकते हैं, किस स्टेट में कितने पेशेंट्स हैं वहाँ की जानकारी पढ़ सकते हैं। हर एक जानकारी पे 100% भरोसा आपको नहीं करना है, लेकिन अपना दिमाग तो आप लगा ही सकते हैं। सो प्लीज यूज योर माइंड, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द सिचुएशन, व्हाट इज हैविंग टू हैपन अबाउट कोरोना वायरस। आई होप दिस वॉज यूजफुल, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन।